हाँ भाई, जंगल में मंगल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। अरे फवाद भाई, शर्ट तो चेंज कर लेते हैं यार। अच्छा है, एक मिनट। अब सही है, अच्छा गाइस, जैसे आप लोगों ने अभी टाइटल से देख लिया होगा कि हाउ टू ड्राइव ट्रक इन ऑस्ट्रेलिया और हाउ टू गेट अ लाइसेंस, तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि भाई मेरे पास ये देख लें, पहले तो मेरे पास ये ट्रक का लाइसेंस है, ताकि आप लोगों को मैं दिखा दूं कि हाँ भाई, मैं ऐसी हवाओं में बातें नहीं करता। जो चीज़ है मेरी वो बता रहा हूँ कि लाइसेंस कैसा होता है। पहली चीज़ मैं बता दूँ कि सबसे पहली चीज़ के एक चीज़ ख्याल रखनी कि आप किस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो। सबसे ईजी जो लाइसेंस होता है वो मिलना, वो पर्थ का होता है। और उसके बाद फिर मैंने जहाँ से लिया था, मैंने लिया था विक्टोरिया से। तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि लाइसेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी होती है। बहुत सारे इंडियन मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था, फवाद ट्रक का लाइसेंस कैसे मिलेगा। उससे पहले मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि टैक्सी की तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों को देखना हो तो। ट्रक का लाइसेंस कैसा होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 21 साल का होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला आपको 21 साल का होना ज़रूरी है आपकी एज, और आपके पास 2 साल पुराना पाकिस्तानी इंडियन जहाँ पे आप बॉर्न हुए वहाँ का इंटरनेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी है। इंटरनेशनल नहीं, मतलब आपका जहाँ पे भी आप बॉर्न हुए वहाँ पे 2 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए उस, और 21 साल की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप ये लाइसेंस अप्लाई करोगे, सबसे पहले होता है कि कार लाइसेंस के बाद लाइट रिजिड होता है, लाइट रिजिड के बाद मीडियम रिजिड होता है, मीडियम रिजिड के बाद हैवी रिजिड होता है, हैवी रिजिड के बाद हैवी HC होता है, हैवी कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद फिर MC होता है, मल्टी कॉम्बिनेशन, जो कि सबसे टॉप पर है। अब दूसरे डिफरेंट स्टेट की क्या डिफरेंट पॉलिसी है। जब मैंने विक्टोरिया में अप्लाई किया था आज से 3 या 4 साल पहले, तो उस वक्त की पॉलिसी बता रहा हूँ। हो सकता है अगर अभी चेंज हो गई हो तो भाई अगर कोई अपडेट कर ले तो बाद में मुझे ये ना बोले या फवाद तुमने ये गलत बता दिया, वो चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो बताऊँगा जो मैंने किया, और मैंने अपना लाइसेंस भी अभी यहाँ ट्रांसफर किया है नॉर्दर्न टेरेटरी में, और मैं अभी यहाँ पर MC के लाइसेंस के लिए जा रहा हूँ रिसेंट। जल्दी मैं आपको जब बन जाएगा तो वो बताऊंगा कि ये मेरा लाइसेंस बन गया, तो वो उसके ऊपर भी ब्लॉग बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लाइसेंस कैसा मिलता है ट्रक का। प्रोसेस सारा सिंपल है। सबसे पहले ये कि आपके पास जो लाइसेंस होगा पाकिस्तान या इंडिया का, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आप नकली या फेक लाइसेंस पे नहीं बनवा सकते, वो लोग चेक करेंगे। मेरा लाइसेंस चेक किया था उन्होंने, एम्बेसी भेजा था, ठीक है, वो चेक किया था उन्होंने लाइसेंस। ये 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हो सकता है अभी ना भेजते हो सकते हैं, उनके पास ऑलरेडी वो सिस्टम में ऑलरेडी उनका वो चेक कर लेते हो, लेकिन 4 साल पहले वो लोग डायरेक्ट एम्बेसी भेजते थे। लाइसेंस मेरा अप्रूव आता था वहाँ से, उसके बाद वो मुझे बोलते थे कि आपका लाइसेंस अप्रूव हो गया, अब आप क्या कहते हैं किसी क्वालिफाइड जो हो उनके, जो जैसे विक्रोड्स हैं उनके दिए हुए कुछ जगहें वहाँ पर आप जाके उससे ट्रेनिंग लोगे आप सबसे पहले। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद वो होता ये है कि जो जहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हो, मैंने AAA या AAA करके एक स्कूल था कैम्बल फील्ड के अंदर, वहाँ मैं गया था। मैंने उनको $900 दिए थे, उन्होंने मुझे 3 दिन की क्लासेस दी थी। उसके बाद 3 दिन तकरीबन 4-4 घंटे की मुझे उन्होंने क्लासेस दी थी, जो मेरा जो क्या कहते हैं मुझे क्लास दे रहा था सुपरवाइज़र, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि वही बाद में क्या कहते हैं इन जो ऑपरेटर होता है ना, जो इंस्पेक्टर बनता है, वही इंस्पेक्टर बन जाएगा। ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई थी। उन्होंने बताया था कि हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, उसके बाद हम आपका टेस्ट, जब आपकी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगी हम आपको टेस्ट में भी हेल्प करेंगे। तो अब ये मुझे नहीं पता था, लेकिन खैर होता ही है कि जब आप जिसके पास भी जाते हो, बिलफर्ज आप पर्थ में हो, आप कहीं पर भी हो, विक्टोरिया में, सिडनी में, किसी के पास भी जाओगे, तो मोस्टली क्या होते हैं वो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं। डीलर्स क्या मतलब, ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं जो कि विग्रोड की तरफ से होते हैं, या जैसे MVR है यहाँ पर नॉर्दर्न टेरेटरी, उसकी तरफ से होंगे। तो वो एक गवर्नमेंट की दिए हुए लोग होते हैं, वो उनके पास सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट 3-4 वो उन्होंने किया हुआ होता है उस कंपनी ने, और वो ऑथराइज्ड होते हैं कि आपको वो लाइसेंस की ट्रेनिंग दे सकें और लाइसेंस का टेस्ट ले सकें, वो दोनों के लिए ऑथराइज्ड होता है। तो फिर वो करते हैं 3। अब ये हर किसी की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। मैंने जिस स्कूल से लिया, हो सकता है उसमें 3 दिन की ट्रेनिंग थी, तो आप किसी स्कूल से लो उसमें 5 दिन की ट्रेनिंग हो। वो मैंने जब $900 दिए थे 4 साल पहले, हो सकता है अभी $1200 हो गए, तो
ये आप अब स्कूल टू स्कूल हो, आप स्कूल जाओगे और वहाँ पर 3 दिन की क्लास लोगे, 3 दिन के बाद वो आपको बोलेंगे कि ऑल गुड टू गो है, वो आपको बताएंगे कि अच्छा भाई ट्रक क्या होता है, उसमें लोडिंग क्या होती है, अनलोड क्या होता है, कितना मीटर लंबा होता है, क्या होता है उसमें, एक्सल क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, वो आपको मैनुअल गियर पे ही, मोस्टली मैं आपको प्रेफर करूँगा कि मैनुअल गियर पे टेस्ट दो, ताकि वो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि फिर जब आप HR से HC जाओगे और MC हायर उस पर जाओगे तो आपको आपके लिए इजी होगा। अच्छा होता ये कि जब आप टेस्ट देने के लिए जाओगे तो टेस्ट के बाद आप जब 3 दिन का आप ट्रेनिंग ले लिए, उसके बाद वो टेस्ट जो आपका आपको जो टेस्ट दे रहा था, मतलब जो आपको हेल्प कर रहा था ट्रक चलाने के लिए, वही ऑपरेटर बन जाता है, वो कैमरा लगा देता है आपके ट्रक के अंदर, आगे पीछे साइड पे दो कैमरे, शायद एक कैमरा या दो कैमरे लगाता है, एक कैमरा बीच में होता है और एक कैमरा ऊपर कर लगाता है, ज़्यादा मुझे याद है 2 कैमरे लगाए थे उसने, और वो ऑन कर देता है, और वो ऑन करने से पहले आपको बता देता है कि टुडे इज़ योर टेस्ट डे, और उसके बाद वो बोल देता है कि इस टाइम के बाद मैं तुम्हारा क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं हेल्प नहीं करूँगा, जो भी है तुम्हारा टेस्ट में यही है, वो रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्डिंग वो कर लेता है, और वो टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि विग्रोड से कोई और क्या कहते हैं इंस्पेक्टर आके आपका टेस्ट ले रहा हो, तो वो विग्रोड से नहीं आता या MVR से नहीं आता, वो डायरेक्ट उसी स्कूल वाले जो होते हैं उनके पास ऑथराइज्ड होता है, वही जो आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है वही आपका ऑफिसर भी बन जाता है, टेस्ट ऑफिसर। तो जैसे ही आप वो पास करते हो, वो आपको कमरे में लेके जाके आपको बताते हैं कि भाई आपने आप पास हो गए हो, वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो अपने पास सेव कर लेता है, वो रिकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं भेजता है विग्रोट को, या फिर वो भेजता है, जैसे मैं MVR इसलिए बोल रहा हूँ कि मोटर व्हीकल रजिस्ट्री डार्विन की है, दूसरे स्टेट्स का मुझे नहीं पता, मालूम कर लेना आपके यहाँ क्या क्या चलता है। तो ये होता है, अब इनमें क्या होता है कि HR तो बहुत आसानी से ले लेता है, HR तो समझ लो पहला है, अब मैं HR के ऊपर फिर HC और MC का बताता हूँ। HR का पहले मैं ये बता देता हूँ कि HR लोग किसके अंदर अपना फील्ड बनाना चाहते हैं कि भाई हम काफ़ी अच्छा काम है इसके अंदर, ट्रक की बहुत ज़्यादा जॉब्स है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, ट्रक की बहुत ज़्यादा जॉब्स है, इमेजिन करो अगर पोर्ट मेलबर्न या सिडनी में, तो वहाँ से पर्थ की तरफ ट्रक जाएंगे सामान लेके, डार्विन की तरफ ट्रक जाएंगे सामान लेके, तो बहुत 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 बड़ी क्या कहते हैं ये फील्ड है। अभी डिपेंड है कि HR में, HR के पैसे स्टार्ट होते हैं तकरीबन 20 20 तो नहीं 22 21 डॉलर से स्टार्ट होता है, 25 26 डॉलर तक जाता है, और अब जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी में बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि ये एक स्टेट ऐसा है नॉर्दर्न टेरिटरी, यहाँ पे ट्रकीज बहुत ज़्यादा है, ट्रक्स की जॉब बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिमांड भी है बहुत ज़्यादा, तो लोग कम हैं और ट्रक्स की जॉब्स यहाँ पे, तो अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आपको डिपेंड यहाँ पे इन स्टेट्स में, जैसे छोटे स्टेट्स हैं उसमें 25 30 35 से भी कम, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी के आपको कितना रेट मिलता है, ठीक है, ये HR के लिए। फिर HR के बाद आप जाते हो, अच्छा HR का आपको HR से HC और MC जाने के लिए क्या होगा कि HR के लाइसेंस जब आपको मिलेगा तो वो 1 साल आपको पुराना होना चाहिए, आप 1 साल तक होल्ड करोगे, उसके बाद फिर आप HC के लिए जाओगे, ये विक्टोरिया में, ठीक है, उसके बाद फिर आप MC में जाओगे, मतलब हैवी कॉम्बिनेशन में जाओगे, हैवी कॉम्बिनेशन के बाद मल्टी कॉम्बिनेशन में जाओगे, ठीक है, इनके क्या कहते हैं 3 एक्सल वाला होता है, इसके अंदर ट्रेलर ज़्यादा लंबे होते हैं, 22 मीटर्स का होता है, तो ये चीज़ें एक स्पेसिफिकेशन है, ये आप पढ़ लेना, ये आप उसी वक्त आपको फ़ायदा होगा जब आप HC और MC के लिए जा रहोगे, अभी मैं कुछ बताऊँगा तो पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद जब HC के लिए आप जाते हो, 1 साल आपका HR का लाइसेंस होना चाहिए, फिर आप HC के लिए जाओगे, फिर MC के लिए जाओगे, सबसे बेहतरीन है कि अगर आप पर्थ चले जाओ या फिर नॉर्दर्न टेरिटरी आ जाओ, तो उनमें ये सिलसिला है कि अगर आपका यहाँ पर आपके पास हैवी रिजिड लाइसेंस है तो आप डायरेक्ट MC के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए होता ही है कि MC के लिए कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एक जगह से, वो ट्रेनिंग है तकरीबन $1200 की, मैंने जहाँ तक मालूम किया है $1200 के लिए, या फिर जो बंदा जिसके पास सर्टिफिकेट 4 होगा इस ट्रांसपोर्टेशन क्या, वो आपको अपने, अगर वो ऑफिस है तो ऑफिस कर लो, और अगर वो घर पे बैठा हुआ उसके पास वो ट्रक है, ट्रक वो वाला होना चाहिए, उसी पे वो आपको ट्रेनिंग देगा जिस पे वो ट्रक काम, मतलब वर्क के अंदर वो काम यूज हो रहा हो, वो ट्रक उसी के अंदर वो आपको हेल्प कर सकता है। तो आप उसके पास जाओगे, वो ट्रेनिंग देगा। अब होता ये कि MC के लिए आपको पहले अपने MVR में बताना पड़ता है कि
मुझे एमसी चाहिए, एमसी का लाइसेंस अप्लाई करना है। जब आप एमसी का लाइसेंस अप्लाई करते हो तो वो आपको एक कंडीशनल लाइसेंस दे देते हैं, एक चिट दे देते हैं कि आप जाके आप इन इन जगहों से आप एमसी की क्या कहते हैं ट्रेनिंग ले सकते हो, और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आप वो ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग देगा वो ऑफिसर आपको जब पास करेगा वो सर्टिफिकेट सर्टिफाइड करेगा आपके उस चिट के ऊपर, और वो चिट आप ले जाके एमवीआर में या विक रोड पर ले जाके सबमिट कराओगे तो वो लोग उसके क्या कहते हैं बैच नंबर और उसका साइन चेक करेंगे, और वो कंप्यूटर में चेक करेंगे, वो बोलेंगे ये ऑथेंटिक बंदा है, ओके कर देंगे और आपको एमसी का मिल जाएगा। अब एचसी और एमसी के ट्रक का फ़ायदा, लाइसेंस का फ़ायदा क्या है, क्योंकि वो है रोड ट्रेन। रोड ट्रेन होती है एमसी, जिसमें मल्टी कॉम्बिनेशन होता है, वो आप पूरे इंटर स्टेट में कहीं पे भी लेके जा सकते हो, एचआर भी लेके जा सकते हो और चीज़ें भी जगह लेके जा सकते हो, लेकिन एमसी के जो पैसे हैं ना वो $35-$40 और मे बी $50 भी चलता है ऊपर, ठीक है। वो डिपेंड होता है कि आप किस रूट पर जा रहे हो, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो या आप कैटल फॉर्म के लिए काम कर रहे हो या आप किसी पर्सनल बंदे के लिए काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग ABN पे पैसे देते हैं, बहुत सारे लोग कैश पे पैसे देते हैं, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट तरीका देने पैसों का। तो भाई बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो नॉर्दर्न टेरिटरी तस्मानिया कहीं पर भी, तो यार गाइस कहाँ पर कहीं पर भी हो ये ट्रक का लाइसेंस एक ज़रूर हासिल कर लेना। देखो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके जो मौके होंगे ना जॉब हासिल करने के वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा ट्रक के अंदर एक दो चीज़ें मैं और ऐड कर लूँ, आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ट्रक का लाइसेंस आ गया तो आप बस अयाशी चल रही है और आपके पास पैसे ही पैसे आ रहे हैं। आपको फ़ाइन भी लग सकते हैं बहुत बड़े बड़े, आपका लाइसेंस भी जा सकता है, आपकी ये गलती से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई आपकी गलती ना हो बल्कि आगे कोई गाड़ी वाला आपको साइड दे के चला जाए या आप मतलब बहुत क्लोजली चला रहे हो गाड़ी आपके सामने आ जाए। बहुत सारे होते हैं क्योंकि जब ट्रक आप चला रहे हो तो ट्रक के अंदर पीछे लोड होता है बहुत ज़्यादा, आप चढ़ाई पे जा रहे हो नीचाई पे जा रहे हो, और क्या कहते हैं आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये ट्रक फील्ड बहुत अच्छी है, आप पैसे इसमें बहुत सारे कमा सकते हो, लेकिन मतलब आप इससे करियर बना सकते हो, आप पाकिस्तान इंडिया में घर बना सकते हो, आप यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में भी घर बना सकते हो, पैसे बना सकते हो बहुत अच्छे। मतलब $40-$45 मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसकी तकरीबन वो एमसी चलाता है, उसके तकरीबन $65 पर आवर है उसका, $65 पर आवर वो इंटरेस्टेड जाता है, वो 7 डेज काम करता है और फिर 3 डेज उसकी ऑफ होती है, फिर वो 7 डेज के लिए जाता है। तो ये एक अच्छा करियर है अगर आप आपके अंदर पेशेंस हैं। दूसरी चीज़ ये कि भाई अगर ट्रक के लाइसेंस में अगर आना है तो फिर अपनी फैमिली और अपना उसके लिए टाइम बहुत कम होगा आपको, तो ये ज़रूर देख लेना आप। बाकी ये कि भाई जो भी है मैं आपको ये बोलूँगा, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं दे सकता हूँ, लाइसेंस ज़रूर हासिल करो ट्रक का, भले पड़े रहे साइड में कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। मैं नॉर्दर्न टेरिटरी आया, मुझे ट्रक का लाइसेंस था मेरे पास तो मुझे जॉब मिल गई इससे, और मैं अभी ऊबर टैक्सी नहीं चला रहा, ऊबर चलाता हूँ कभी कभार, लेकिन बहुत अच्छी जॉब है बनिस्बत के आप ऊबर की तरह बिल्कुल पागल हो के, तो मतलब हर बंदे ही वो कर रहा है तो आप भी वही करोगे तो क्या फ़ायदा। खैर मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँगा, फिर मैं आपको बोलूँगा कि भाई 21 साल होनी चाहिए और क्या कहते हैं 2 साल का पुराना लाइसेंस होना चाहिए, पहले आप मीडियम रिजिड हैवी रिजिड फिर HC फिर MC, तो इस तरह से लाइसेंस बनेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नाम फवाद है, दुआ में टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। व्यू तो भाई यही है।